मैं प्रोफेसर रविशंकर सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से आपके समक्ष लोक योगी गुरु श्री गोरक्षनाथ एवं यन कोविड 19 महामारी विषय लेकर अपने समुदाय में उपस्थित हूँ। मैं सादर प्रणाम आप सभी को निवेदित करता हूँ और अपने विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग विगत सप्ताह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में योग को लेकर चर्चा किए, पूरा विश्व योगमय हुआ था। इसी दोनों यानी कोविड-19 महामारी और इस योग के परिप्रेक्ष्य में ही यह व्याख्यान मुझसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने की के लिए समय आवंटित किया गया है। मैं इसके आयोजकों को सादर साधुवाद देते हुए अपनी बात निवेदित करने की कोशिश करूंगा। मैं एक करबद्ध एक स्वीकारोक्ति आपके समक्ष करना चाहता हूँ कि मैं इस आत्मार्पित विषय का कोई एकेडमिक प्रशिक्षित विद्वान नहीं हूँ। मैं स्वांता सुखा महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी के श्री चरणों में अपनी शैक्षिक सेवा करने का एक सचेष्ट विद्यार्थी हूँ, एक क्यूरियस इंक्विस्टिव हूँ। यदि कोई भूल हो जाए तो मुझे आप सादर क्षमा करेंगे। प्रिय बंधुओं, हम लोगों का विषय है लोक योगी गुरु श्री गोरक्षनाथ एवं यन कोविड महामारी। उसको ऐसे अगर अनुवादित करने की चेष्टा की जाए तो गोरखनाथ की लोक व्याप्ति और उनके द्वारा प्रवर्तित हठ योग की सार्वभौमिक स्वीकृति यानी कोविड-19 महामारी से जूझने के लिए। बंधुओं, भारतवर्ष की चेती आध्यात्मिक है और हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को संचालित करने की जो हमारी धर्म संस्कृति है, न केवल हमारे लिए बल्कि विश्व के लिए भी पाथेय है। भारतीय दर्शन में संचरित अनेक शाखाएं प्रकृति और पुरुष का विवेचन करती हैं। हम न केवल प्रकृति और पुरुष का विवेचन करते हैं बल्कि हम यह सृष्टि सृजन कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भारतीय दर्शन की एक अनमोल कृति है। मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। किसी भी तपोधनी तपस्वी चमत्कारी व्यक्तित्व कब लोकोपयोगी होता है और अकादमिक जगत उसको किस रूप में लेता है? क्या अकादमिक जगत बिना लोक स्वीकृत के स्वीकार करता है या लोक स्वीकृत अकादमिक जगत से होती है? मेरी अपनी मान्यता है कि अकादमिक जगत लोक स्वीकृत लोक मान्यता होने के पश्चात तब स्वीकार करता है किसी व्यक्तित्व को। धर्म संस्कृत से परपुष्ट लोक जगत ही
अकादमिक जगत को बाध्य करता है किसी भी व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए। और मेरी मेरी समझ ये है कि अकादमिक जगत के जो टूल्स होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि लोकमान्य व्यक्तित्व, लोक स्मित, लोक स्वीकृत के आधार पर होता है, और अकादमिक जगत लोक स्मित और लोक मान्यता को बहुत शंका की दृष्टि से देखता है, संकाल होता है। यही से अकादमिक जगत और लोक जगत में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, और वो जो द्वंद्व है हमेशा रहता है। अकादमिक जगत अपनी दृष्टि विभिन्नता के कारण और अपने टूल्स के कारण लोक मान्य नहीं हो पाता है। दृष्टि से मेरा तात्पर्य यह है कि आप राष्ट्रवादी हैं, वामपंथी हैं, पंथ निरपेक्षवादी हैं, या अन्य अन्य कोई भी नाम आप ले लीजिए। अंडर डेवलप्ड मैं इसको इस वजह से कहता हूं क्योंकि ये कोई भी दृष्टिधारी, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे निरपेक्षवादी हो, वो लोक श्रुति को अपने शोध जगत का टूल्स के रूप में नहीं स्वीकारता है। और यही से लोक मान्यता और अकादमिक जगत में मत विभिन्नता की नींव पड़ जाती है। मैं अपनी बात दो उदाहरण से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी भी लोक मान्यता थी मित्रों, अभी पिछले वर्ष के पहले तक लोक मान्यता थी। जब भी कुंभ मेला लगता था तो भारतवर्ष के कोने कोने से प्रयागराज संगम पर लोग आते थे और पूर्ण स्नान का लाभ लेकर अपने अपने गृह जनपद घर को जाते थे। जब गांव से लोग चलते थे तो लोग ये कहते थे स्नान करने जाना है, कहां? प्रयाग। लोक मन में इलाहाबाद 450 करीब करीब 450 वर्ष में भी अपना स्थान नहीं बना पाया। साथियों, प्रयाग या प्रयागराज और उसके साथ लगा कुंभ, कुंभ के साथ प्रयागराज और प्रयाग से कुंभ एक दूसरे के समानार्थी हो गए थे। लेकिन कितनी सरकारें आई गई और भारतवर्ष के एक कालखंड में उस प्रयाग का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता और वह कोई बिरला ही आदमी कर पाता है। और वो पिछले साल हुआ, आप सभी हम लोग जानते हैं कि जब प्रयागराज हुआ तो भारतीय संस्कृति की एकता कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक सभी लोगों ने इसको संतुष्ट, ऐसा लगा संतुष्ट प्राप्त की जब इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। हमारे जैसे नए लोग जो इलाहाबाद में पले बढ़े पढ़े, वो इलाहाबाद इलाहाबाद कहते हैं लेकिन लोक मन प्रयागराज कहता है। अकादमिक जगत समय समय पे अपनी चित बदलता रहा लेकिन लोक चित प्रयाग के साथ ही रही।
और उसी लोकचित को मान्यता मिले। एक दूसरा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि। पूरा विश्व जानता है, लोक आस्था है, भारतवर्ष का प्रत्येक आदमी जानता है, प्रत्येक नर नारी बालक बालिका जानती है कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान कहाँ है। अकादमिक जगत खोजता रहा, लड़ते रहे हम, 5 सदी बीत गई। लोग पंचकोशी 84 कोशी परिक्रमा करने लोक मन जाता था, लोक जगत जाता था, उसी सरजू नदी में स्नान कर अपने को धन्य मानते हुए उस भूमि को प्रणाम कर अपने अपने घर को लौट आता। क्या आप हम अकादमिक जगत के लोग लोक मन से ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में नहीं है? वो कतई मानने को तैयार पहले भी नहीं था, और 5 सदी बीतने के बाद आज पिछले जब पिछला वर्ष बीत रहा था तब हम लोग सिद्ध कर पाए कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान यही है। लोकमान मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अकादमिक जगत अपने अपने टूल्स से उसको निर्धारित करने में लगा रहा, और इसी नाते मैं कहता हूं कि भारतीय लोकचित, भारतीय लोकमन, जिस मान्यता परंपरा रीति रिवाज संस्कृत और धर्म के आधार पर निर्मित होती है, उसको आधुनिक अकादमिक जगत अपने जो प्रोसीज्योरल टूल्स है उससे आंकने में कोताही करता है। यह विडंबना लगभग सभी महान व्यक्तियों और खासकर आध्यात्मिक व्यक्तियों या महान विभूतियों के साथ रही है, और महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ के साथ तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। क्योंकि लोक आस्था महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ को तो भगवान शिव का अवतार समझती है, शिवावतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ कहती है, और यह मानती है कि हर युग में महायोगी गुरु गोरखनाथ का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन अकादमिक जगत इनको एक व्यक्ति के रूप में मानते हुए उनके उद्भव, उनके प्रादुर्भाव, उनके द्वारा प्रवर्तित पंथ इत्यादि का की ऐतिहासिकता की विवेचना करने लगता है, और इससे स्रोत
शिलालेख, स्तंभ, पांडुलिपियां, सिक्के, समकालीन व्यक्तित्व, किसने उनके प्रादुर्भाव, उनके पंथ के विकास में क्या कहा और किसने क्या कहा, उसकी अकादमिक गुरुता क्या थी, इसके आधार पर महाज्ञ गुरु गोरक्षनाथ का प्रादुर्भाव का समय निश्चित होने लगा। और कहते हैं कि आठवीं निश्चित तो नहीं है, लेकिन आठवीं विक्रमी सदी से लेकर दसवीं विक्रमी सदी तक इनका ऐतिहासिक काल मानते हैं लोग। निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक कहानी और हर प्रदेश में कहानी ऐसे मिलती है कि राजा भर्तृहरि महाज्ञ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। और महाज्ञ गुरु गोरखनाथ ने, लंबी कहानी है, उसमें हम लोग न जाएं, क्योंकि अकादमिक हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो राजा भर्तृहरि, एक तथ्य यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत शुरू किया और विक्रमी संवत आज के एडी और बीसी के हिसाब से 57 बीसी में शुरू हुई मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि महाज्ञ गुरु गोरक्षनाथ अगर राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और शिष्यत्व ग्रहण कर अपने छोटे भाई को राजपाट दे करके संन्यास ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे राजा भर्तृहरि का शासन काल 57 बीसी से पहले होता है और महाज्ञ गुरु गोरखनाथ का प्रादुर्भाव निश्चित तौर पे क्राइस्ट के बहुत पहले निर्धारित किया जाता है, ऐसा लोक मान्यता है। एक सेकेंड का जरा समय ब्रेक लेना चाहूंगा। सॉरी, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे अकादमिक जगत और लोक आस्था कि मान्यता के अनुसार महाज्ञ गुरु गोरखनाथ का काल। लोक जगत ये मानता है कि हमेशा रहे हैं महाज्ञ गुरु गोरखनाथ, और अकादमिक जगत जैसा मैंने कहा आठवीं विक्रमी संवत विक्रमी से लेकर दसवें विक्रमी संवत तक ऐसा मानता है। क्यों मानता है? कि उनकी जो कृतियां हैं संस्कृत में और हिंदी में जो कृतियां हैं उसके हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से, कंटेम्प्रोरी व्यक्तित्व के हिसाब से लोग रिसर्च करके यह निर्धारित करते हैं। लेकिन जैसे मैंने राजा भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य और 57 बीसी का एक उदाहरण पेश करके मुझे लगा कि यह उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी लोक स्वीकृत है, लोक मान्यता है, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ऐतिहासिक तथ्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। हम स्वतंत्र हैं अपने मनस के हिसाब से उस विचार को दृढ़ करने के लिए। एक बात निश्चित है, आस्था और अकादमिकता का संघर्ष सदियों से रहा, लोक आस्था और अकादमिक जगत का संघर्ष रहा है और वो रहेगा, क्योंकि भारतीय लोक आस्था, भारतीय लोक चित श्रुत प्रधान है और अकादमिक जगत कब से पेपर का आविष्कार हुआ, कब से लेखनी आई वगैरह वगैरह सब चलता है, अगर ऐसा माना जाए। इसी वजह से हम मैक्स मुलर ने कहा था कि वेद की आयु निर्धारित करना कब लिखा गया, क्योंकि वेद तो बहुत काल तक श्रुत परंपरा में रहा, यह बड़ा मुश्किल काम है, लोग निर्धारित नहीं कर पाए। लिपिबद्ध बाद में हुआ, लिपि बाद में विकसित हुई, लेकिन श्रुत परंपरा में हमारे पास था।
भारत भूमि पर। इस वजह से कहते हैं कभी कभी लोग जो आस्थिक होते हैं, आस्थावान होते हैं, कि यह पूर्ण भूमि है, क्योंकि उस समय प्रकृत पुरुष सृष्ट की विवेचना, जब पूरा विश्व इस पर चर्चा ही नहीं करता था, तब हमारे यहाँ वेद जैसे ग्रंथ प्रचलित। महायोगी गुरु गोरखनाथ के साथ भी यही लोक आस्था और अकादमिक जगत का द्वंद्व हमेशा चलता रहा है। चूंकि हम लोग अकादमिक जगत से जुड़े हैं, या तो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्रशिक्षित तो हो चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी हम लोगों की कम्युनिटी है। अगर एक हम एक स्केल, लर्निंग की स्केल ड्रा करें, एक खींचने की का प्रयास करें, तो उसी लर्निंग स्केल में हम सभी लोग हैं। कुछ लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग 10 वर्ष पहले शुरू किए, कुछ लोग 50 वर्ष पहले शुरू किए, कुछ लोग सेवानिवृत्त हैं, कुछ लोग अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग सभी लोग सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस वजह से हम लोगों को चर्चा करना कि महायोगी गुरु गोरखनाथ लोक योगी क्यों हैं और उनकी इस यन कोविड-19 महामारी के जूझने में प्रासंगिकता क्या है, ये विषय है मेरा। महायोगी गुरु गोरखनाथ ने संस्कृत और हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की है और उनके द्वारा प्रवर्तित हठ योग, मैं इस पर चर्चा बाद में भी करूंगा। हठ योग में जो भी क्रियाएं हैं, हठ योग में जो भी आसन, प्राणायाम, ध्यान की प्रक्रिया वर्णित की गई है, वही हम आज अपनी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन रोज कर रहे हैं, न जानते हुए। ये नहीं जानते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन करते वही हैं। इस वजह से मैं कभी कभी कहता हूँ कि न जानते हुए भी पूरा विश्व महायोगी गुरु गोरखनाथ के अवदानों से अभिभूत है, उनके अवदानों से ही लाभ उठा रहा है। और तीन किताब प्रमुखता से मिलती हैं हठ योग का वर्णन करने में, वो हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता। अगर आप इनके लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर उलझ जाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि योगी महायोगी यह अपने को श्रेय न दे करके दूसरे को श्रेय देते थे। लिपिबद्ध श्रुत परंपरा में कौन लिया, यह प्रश्न नहीं है, कौन किसका शिष्य है, कौन किसका गुरु, अगर ये ध्यान से रखें, क्योंकि हठ योग या नाथ पंथ जो महायोगी गुरु गोरखनाथ ने चलाया था, नाथ पंथ में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत अद्भुत है। नाथ योगी या नाथ पंथ के जो फॉलोअर हैं, गुरु को निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप समझते हैं। ऐसे समझिए, गुरु निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप है और गुरु का निराकार रूप ब्रह्म है। अन्य गुरु ही एक ऐसा है जो ब्रह्म से हमसे को समझा सकता है, हमको मिलवा सकता है,
यह गुरु शिष्य की परंपरा नाथ योगियों में अद्भुत दिखाई देती है। इस वजह से यह जो तीनों किताबें हैं, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिंह शिव संहिता, महायोगी गुरु गोरखनाथ ने लिखा कि उनके शिष्यों ने लिखा, यह निर्धारित करना बड़ा मुश्किल काम है किस शिष्य ने लिखा और किस गुरु के कहने पर लिखा। एक बात सुनिश्चित की जा सकती है, वह यह कि नाथ योगियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। यदि नाथ योगियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं तो इसमें सारी प्रक्रियाएं जो आज हम कर रहे हैं, यन कोविड-19 महामारी से जूझने में, अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में कर रहे हैं, जो योगासन करते हैं, सब इसमें दिया गया। जो अपने काया शोधन की प्रक्रिया, सब इसमें दिया गया। जो प्राणायाम करते हैं, वो सब इसमें दिया गया है। तो ये बड़ी उलझन की स्थिति आपके समक्ष होगी तो कि महर्षि पतंजलि जिनको योग का जनक कहा जाता है, योग का प्रतिपादक कहा जाता है, सामान्य स्थिति में उनके फॉर्मुलेशन को ही हम समझते हैं, उनकी स्थिति क्या है, मैं इस पे आगे बात करने की कोशिश करूंगा कि महर्षि पतंजल का और महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगिक साधनों की को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है। लोक आस्था, लोक स्वीकृत, नाथ मंत्र, नाथ योग और उसके लोकोपयोगी प्रभाव को देश का प्रत्येक प्रदेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, और भारतीय प्रायद्वीप का हर देश, अगर नाम लें तो कोई प्रदेश छूटा नहीं होगा जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ के श्री चरण न पड़े हों। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, रशिया में एक बाकू स्थान है, वहाँ पर चेतना आज भी लोक चेतना उसी तरह से जीवंत है जैसे महायोगी गुरु गोरखनाथ के काल में थी। तो ये नैरंतर्यता जो महायोगी गुरु गोरखनाथ का लोक मन में प्रविष्टि है वो बहुत अद्भुत है। यहाँ एक तुलना करना समीचीन होगा, आद्य शंकराचार्य केरल से चलकर चारों कोनों पर चार पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म और संस्कृत की जो रक्षा किए वो अतुलनीय है, अप्रमेय है। परंतु महायोगी गुरु गोरखनाथ ने कोना नहीं, गांव गांव उनके शिष्यों या उनके द्वारा आसन, पादुका, श्रीचरण, गोरख के नाम का टीला आज भी मिलता है मित्रों। आज भी आज जाकर के आप देख लें, उनके फॉलोअर्स उसी तरह से रहते हैं। राजस्थान तो लगता है जैसे नाथ योगियों की पूर्ण भूमि है, और मैं जहां से हूँ गोरखपुर, यहाँ की श्री गोरक्ष पीठ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान गोरखनाथ यहाँ त्रेता युग में अवतरित हुए थे। यही लोक चेतना, शास्त्रीय स्थापना, अकादमिक जगत क्यों अध्ययन करने के लिए उतावला रहता है? मित्रों, हम अपना विषय कैसे चुनते हैं? अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि हम अध्ययन का विषय कैसे चुनते हैं, अध्ययन का विषय मेरे समझ से या तो उस समय जिस समय हम चुन रहे होते हैं उस समय की किसी समस्या की तरफ हमारा ध्यान
आकृष्ट कराया जाता है, या तो हम उस समस्या को समझना चाहते हैं, या तो उस समस्या को समझकर उसमें योगदान देना चाहते हैं। कहने का मतलब कि तत्समय जो समस्या अध्ययन का विषय चुना जाता है, तत्समय तात्कालिक देश और काल की परिस्थिति निर्धारित करती है कि हम कौन सा विषय चुने। इस वजह से मैं ये फिर कहता हूँ कि लोक चेतना ही उद्वेलित करती है कार्मिक जगत के मनस को अपने विषयों को चुनने के लिए। इस वजह से महावीर गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित जो पंथ था, जो संप्रदाय था, उसने अकादमिक जगत को प्रेरित किया उसके अध्ययन अध्यापन और शोध के लिए। नाथ मंत्र और नाथ पंथ के बारे में कहा जाता है कि नाथ परतरो मंत्रो नाथ परतरम तप त्रिणयांतो मंत्रे सिद्धादय सर्वायदग्रत। नाथ से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, नाथ से बढ़कर कोई तप नहीं, इसके आगे सभी मांत्रिक और सिद्ध आदि त्रिणवत होते हैं। विद्वानों ने नाथ संप्रदाय को वज्र यानियों और सहज यानियों से प्रेरित कहा, लेकिन यह बड़ा सच प्रतीत होता है कि वज्र यानियों या सहज यानियों बौद्ध धर्म की ये शाखाएं हैं, उनके विरोध और उनके सुधारात्मक पहलू को लेकर के इसका उदय हुआ। सर्वस्व त्याग नाथों का लक्ष्य था, मोक्ष के लिए योग बड़ा आयुध उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि यह योग ही, योग से हम एकेश्वर केवल की केवल यानी परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। अकादमिक जगत में बहुत कार्य हुए हैं नाथ पंथ को लेकर के। कुछ विद्वानों का नाम मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन्नीसवीं सदी के अंत में अंग्रेज विरोध में खड़े हो गए इस पंथ के, परंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज विद्वानों ने इन पर बहुत बड़ा बड़ा काम किया, जिसमें से कुछ है ब्रिक्स टेम्पल एवलिन और एक लाहौर में डॉक्टर मोहन सिख थे, उन्होंने भी काम किया है। पुरानी किताब है, 1937 में पब्लिश हुई थी। ये सब पाश्चात्य विद्वान हैं। हमारे यहाँ प्रबोध चंद बागची, राहुल संकृत्यायन, क्षितिज मोहन सेन बंगाली में, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, अक्षयनाथ बनर्जी, डॉक्टर कल्याणी मंदिर, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, नागेंद्रनाथ उपाध्याय, कई ऐसे लेखकों ने कार्य किया है। और यहाँ श्री गोरक्ष पीठ में ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम पर एक दिग्विजयनाथ ट्रस्ट शोध अनुसंधान केंद्र संचालित होता है। वो महावीर गुरु गोरखनाथ के कई किताबों को प्रकाशित किया हुआ है। लेकिन इन सारी किताबों में आप देखेंगे महावीर गुरु गोरखनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे, कब पैदा हुए, उनके कुछ कुछ दर्शन पर काम हुआ। जैसे ज्यादातर इसमें हिंदी साहित्य के लोगों ने कार्य किया और ऐतिहासिक डॉक्टर कल्याणी मलिक ने उनके संस्कृत ग्रंथों पर प्रथमतः कार्य किया। वैसा कार्य अभी तक कल्याणी मलिक के बाद हुआ नहीं है संस्कृत ग्रंथों पर। और करीब उनकी 650 पेज की पुस्तक बंगाली में लिखी है, उसी पुस्तक का 150 पेज में अनुवाद डॉक्टर कल्याणी मलिक ने इंग्लिश में किया है, वही इंग्लिश की पुस्तकें सबके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप गोरख बानी जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संपादित की है उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो गोरख बानी आम भाषा
जो गिरिवासी आदिवासी उनकी भाषा में लिखी गई किताब शब्द है। उस शब्द में अगर आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़ें, तो उस शब्द की जो रचना है दोहों के समान है। उसमें कई कई शब्द चौपाइयों के समान है, कई कई शब्द पद के समान है। तो आप ऐसे कह सकते हैं उसके पहले ये संरचनात्मक, अगर स्ट्रक्चरल पदों को देखें, आप कविताओं को देखें, साहित्य में गे संरचना को देखें, तो वो महाकवि गुरु गोरखनाथ के या नाथ वाणियों या नाथ गुरबानियों में आपको मिलती है। उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसमें सृष्टि संरचना का भी जिक्र है, कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का भी जिक्र है जो बाद में नाथ योगियों के नाम पर, जैसे एक गोरख इमली का पेड़ है, गोरख आंवला भी है, पीपल का नाम भी गोरख के नाम पर है, कई जड़ी बूटियों का नाम भी गोरख के नाम पर हो गया। लोक मन गोरख मन गोरख महाग गुरु गोरखनाथ से इतना प्रभावित था, उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व को इतना इतना मनस में बैठा लिया था कि ऐसा लगता था कि उनका नाम ले लो सारे व्याधियों के जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि लोक योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ थे। लेकिन नाथ पंथ का व्यवहार शास्त्र लोकचित के हिसाब से, लोक श्रुत के हिसाब से बहुत कम पुस्तकें मिलती हैं। एक पुस्तक अभी राजस्थान के एक विद्वान हैं डॉक्टर श्री किशोर जुगनू, उन्होंने एक किताब लिखा है 2019 में, गांव गांव गोरख नगर नगर नाथ। उसमें साबर मंत्रों का जिक्र है। साबर मंत्र है, ये मंत्र है, इसको गायत्री मंत्र भी गावंत्री मंत्र भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है। वह किसी भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति के जितने संस्कार होते हैं जन्म से लेके मरण तक के सारे संस्कार में महायोगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित साबर मंत्र वहां पर वर्णित है। जन्म होता है तो कौन सा साबर मंत्र, विवाह होता है तो कौन सा साबर मंत्र, आपको रोग हो जाता है तो कौन सा साबर मंत्र, ऐसा लोक मन संचालित होता है महायोगी गुरु गोरखनाथ से। ऐसा लगता है कि बिना उनके कोई भी कार्य लोक मन का लोक चेतना का संपन्न नहीं होता। इसी वजह से मैं कहता हूं कि वो लोक योगी। एक बात और, अभी भी एक नई पुस्तक, अब देखिए इसकी प्रमाणिकता प्रासंगिकता इतनी प्रगाढ़ है कि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये किताब 2019 में पब्लिश होती है, सेंग्स ऑफ गोरखनाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के एक विद्वान है गॉर्डन डोडोविक, वो गोरख वाणी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं 2019 में। वो 2005 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुखदेव सिंह के साथ रिसर्च कर रहे थे, और 2005 के बाद 2019 में इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रस्तुत करते हैं। मेरे कहने का मतलब साथियों कि अभी भी अकादमिक जगत खोज रहा है, तो हमारा भी मन करता है कि हम लोग भी जानने की कोशिश करें कि अकादमिक जगत जिस महायोगी को लोक योगी कहने में गुरेज कर रहा है उसमें क्या कारण है। हम लोग भी कुछ अपना अवदान अपने शिक्षा शैक्षिक जीवन से महायोगी गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में अर्पित करने की कोशिश करें। लोक स्वीकृत धार्मिक नेता और अद्भुत धार्मिक संगठन करता महायोगी गुरु गोरखनाथ, लोग उनको भगवान विभूषित किए हैं। और इसी सभी को देखते हुए जब महायोगी गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि स्वरूप श्री गोरख पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब
देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की के मुख्यमंत्री पद का दायित्व तो संभाला, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ प्रवर्तित नाथ पंथ पर शोध अध्ययन अध्यापन करने हेतु एक महाविद्यालय गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना हुई है, जिसमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिनका योगदान अतुलनीय है। इसमें हमारे कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, प्रोफेसर द्वारकानाथ जी, डॉक्टर प्रदीप राव का योगदान इस शोध पीठ की स्थापना में अद्भुत है। और यह शोध पीठ का शिलान्यास 30 नवंबर 2019 को हुआ है। क्या कारण है मित्रों कि महाविद्यालय गुरु श्री गोरक्षनाथ की लोक व्याप्त का जितना अध्ययन अकादमिक जगत को करना चाहिए उतना नहीं किया? क्यों लोक में व्याप्त हो गए महाविद्यालय गुरु गोरखनाथ? क्योंकि महाविद्यालय गुरु गोरखनाथ ने किसी मत का खंडन नहीं किया है, उन्होंने केवल मत के किसी भी मत दर्शन का सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, इस वजह से लोग में स्वीकृत हुए। उन्होंने कहा कि जो शाक्त पंच मकार से कुत्सित हो गए थे, शाक्त और तांत्रिक पंच मकार किसे कहते हैं, मद्य मांस मैथुन मत्स्य एवं मुद्रा का जो सेवा करता है उसको पंच मकारी कहते हैं, और ऐसा तांत्रिक और सिद्ध लोग करते थे। वो कहते थे कि ऐसा नहीं है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्होंने लिखा है कि मदो मध्यम मतिर मुद्रा माया मीनम मनः पलम मूर्छनम मैथुनम यस्य तेनासौ साक्त उच्यते। साक्त वो नहीं है जो पंचमकारी है, बल्कि साक्त कौन है, व्यक्ति का मद ही मध्य है, जो मद है वो मध्य है। भैरवी चक्र आदि में साथ देने वाली परनार लता मुद्रा नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मति मुद्रा है। देखिए सुधारात्मक, जल में रहने वाली मछली मीन नहीं है, बल्कि माया ही मीन है। किसी जीव का कटा हुआ मांस ही मांस नहीं है, बल्कि मन ही मांस है। और किसी नारी के साथ सहवास मैथुन नहीं है, अपितु मूर्छना ही मैथुन। अब देखिए शाक्त की परिभाषा महाविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ ने अपने प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कैसा सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, इसी सुधारात्मक दृष्टिकोण से महाविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ लोक योगी हुए, लोक व्याप्त उनकी हुई। और इतना लोक व्याप्त हुई कि लोग उनके द्वारा प्रवर्तित योग और योगिक क्रियाओं को सहर्ष स्वीकार किए। आद्य शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद यह कहता है यत पिंडम तत ब्रह्मांडम, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड हम जानते नहीं कौन कब उत्पन्न हुआ, क्या है ब्रह्मांड में, कितना प्रसार है, क्या चीजें हैं। महाविद्यालय गुरु गोरखनाथ ने इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया। देखिए सुधारात्मक दृष्टिकोण, उन्होंने कहा पिंड माही ब्रह्मांड समाया, ये जो पिंड है जो हमारा शरीर है उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया। अब पिंड सबको दृष्टिगोचर है, लोक ने समझा कि ये एकदम सटीक बात है क्योंकि ये दर्शनीय है। पिंड क्या है, यह है। हालांकि पिंड की परिभाषा ये केवल शरीर नहीं है, ये बहुत अच्छा पिंड की परिभाषा विशद व्याख्या सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है। तो नाथ पंथ में उज्ज्वल होता है अखंड ब्रह्मचारी होना, सदाचारी होना बहुत महत्वपूर्ण की बात मानी गई है। कैवल्य के प्राप्ति के लिए नाथ योगी काया शोधन करते हैं, और यही जो काया शोधन की प्रक्रिया है हठ योग प्रदीप का शिव संहिता और घेरंड संहिता में वर्णित है, वही काया शोधन की प्रक्रिया को हम खट कर्म करते हैं। वो खट कर्म, खट मतलब छह, उसमें क्या है, नेत धौत वास्त नौल कपाल भात और त्राटक, कुछ
कुछ कुछ हम सभी लोग जानते हैं, सारी क्रियाएं नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। कुछ कुछ करने से हमको लाभ प्राप्त हो जाता है, फिर और सब छोड़ देते हैं। ये क्रियाएं हम लोग इस नियन कोविड-19 महामारी के जूझने में अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उत्तराटक एक ध्यान लगाने की सबसे प्रमुख क्रिया है। कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें वर्णित। देहति धौति, अपने नासिका को, इड़ा पिंगला को शोधित करते हैं पानी डाल करके, और फिर वास्त नौल करते हैं, पूरा आमाशय को साफ करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है मित्रों, केवलम राजयोगाय हठ योग हठ विद्योपदिश्यते। केवल राजयोग जिसको ध्यान योग कहते हैं, हठ योग एक साधन मात्र। इन्हीं योगिक क्रियाओं के पुनरुद्धार के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ का उदय हुआ। और महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ में नौ नाथ मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन से नौ नाथ हैं? हालांकि अलग अलग इलाके में, अलग अलग प्रदेशों में नवनाथों का नामकरण अलग अलग है, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश और श्री गोरक्षपीठ जो मानती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आदिनाथ, उदयनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, गजकंदड़ीनाथ, अचलनाथ, चौरंगनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ। मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ के गुरु थे। आदिनाथ भगवान शिव को ही आदिनाथ माना जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ में वो विद्या प्राप्ति वायवी शरीर उनकी थी, मतलब उनके शरीर से आप तलवार अगर निकाल दें तो तलवार पार हो जाएगी, मत्स्येन्द्रनाथ को कुछ नहीं होगा। गोरक्षनाथ भगवान शंकर के कैसे अवतार माने जाते हैं, क्योंकि महाकाल योग शास्त्र कल्पद्रुम में यह कहा जाता है, आमे वास्म गोरक्षो मद्रूपम तन्निबोधत, योग मार्ग प्रचार आए माया रूप मिदम धृतम। योग मार्ग के प्रचार के लिए मैं ही अपना रूप धारण किया। और जो हम लोग महावीर गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में हुआ है, उसका हमने आर्ष वाक्य एक रखा गया है। वो आर्ष वाक्य भी हठ योग प्रदीपिका का है। उसमें कहा जाता है, हठ विद्या में ही मत्स्येन्द्र नाथ गोरक्षाद्या विजानते। हठ विद्या के जानकार कौन कौन है? मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि, आदि में सभी नवनाथ और 84 सिद्ध आते हैं। इन 84 सिद्धों में ज्वालेन्द्र नाथ, काणिक नाथ, गहनी नाथ, चरपट नाथ, रेवण नाथ, नागनाथ, भरतिहर नाथ, गोपी चंद्र नाथ, भरतिहर राजा भरतिहर जब शिष्यत्व ग्रहण किए तो भरतिहर नाथ हो गए। ये नाथ पंथ की कुछ प्रमुख पुस्तकें, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत संग्रह, हठ योग कि अगर हमको पढ़ना है तो हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, घेरण संहिता, यह सब में मिल जाएगा। हम एक चर्चा मैं मुझे यहाँ करना है कि महर्षि पतंजल और महायोगी गुरु गोरखनाथ के यौगिक में क्या भेद है। मैं डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा हिंदू धर्म शब्दकोश संग्रहित किया गया है, उसमें महर्षि पतंजल के बारे में कहा जाता है कि महर्षि पतंजल ने जो वैदिक कालीन योग था, मतलब योग हमारे वेदों में अलग अलग वेदों, उपनिषदों, पुराणों में वर्णित है, उन सभी योग वर्णन को उन्होंने सूत्रबद्ध किया और वह 195 सूत्र लेकर के अपनी किताब योग शास्त्र में आए। तो एक ऐसी बुक किताब है वो, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ट्रिटाइज है, ऐसा वो प्रबंध है कि जब अंग्रेज अनुवादकारों ने उसको देखा तो कहा बस यही किताब है, इसी का ट्रांसलेशन कर देना चाहिए।
क्योंकि वो वेद पुराण उपनिषद उतने समृद्ध एंशियंट विजडम को पढ़ने में असमर्थ थे, लिहाजा महर्षि पतंजलि की किताब का अनुवाद किया। और यूरोप ने योग को महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र से ही जाना, लिहाजा महर्षि पतंजलि को ही रेफरेंस पॉइंट माना। महर्षि पतंजलि ने साधना पाद, केवल पाद, समाज पाद करके तीन पादों में विभक्त करते हुए 195 सूत्रों में, 195 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन को प्रतिपादित किया है। और हमारे खट दर्शन का योग दर्शन एक प्रमुख भाग है। अब यहीं पर ऐसे अगर समझने की कोशिश करें कि महर्षि पतंजलि वैदिक कालीन योग के फार्मुलेटर थे, फार्मुलेशन उसका कर दिया महर्षि पतंजलि, और उनका अवदान, उनका जो योगदान है कम नहीं है। उन्होंने सारे योग सिद्धांतों को एक जगह फॉर्मुलेट कर दिया, जो ज्यादातर पहला ही सूत्र हम लोग जानते हैं, योगस योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जबकि ऐसे सूत्र 195 सूत्र हैं उनके किताबों, अलग अलग पाद के नाम से वो विभक्त हैं, समाधि तक वो जाते हैं। तो वो किताब जो है वो फॉर्मुलेटेड बुक है। वो कैसे वो पाद प्राप्त किए जाए, वो जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं कैसे प्राप्त किए जाए, क्रम से यम नियम धारणा, यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि, 8 अंग कैसे प्राप्त किए जाए, उस फॉर्मुलेशन में यह वर्णित सैद्धांतिक रूप में। तो हम कहें कि महर्षि पतंजलि वैदिक कालीन योग के थ्योरेटिकल फॉर्मुलेटर थे, और महायोगी गुरु गोरखनाथ यह कैसे अलग अलग चरण प्राप्त किए जाए उसके एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिशनर थे, वो प्रायोगिक अनुशीलक महायोगी गुरु गोरखनाथ। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ ने वो सैद्धांतिक योग सूत्रों को बड़े बड़े विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों जो सन्यास कंदराओं में, मठों, मंदिरों में लेते थे, उनको निकाल करके महायोगी गुरु गोरखनाथ ने लोकोपयोगी बना दिया। ऐसी क्रियाएं विकसित उन्होंने किया कि हर व्यक्ति उसको कुछ कुछ कर करके लाभान्वित तो हो सके। इसी अर्थ में महायोगी गुरु गोरखनाथ को कहा जाता प्रैक्टिसिंग फिलॉसफर, वो अनुशीलक दार्शनिक थे। वो योग सिद्धांत जो वैदिक कालीन योग था उसको, उसका एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन महावीर गुरु गोरखनाथ ने किया, इसी नाते लोक में व्याप्त हो गए, लोक उनको मानने लगा, और उनके योग को महायोगी गोरखनाथ के हठ योग नाथ पंथ को राजा महाराजा रॉयल से लेकर रूरल तक, राजा महाराजा के महलों से लेकर के गरीबों को झोपड़ियों तक, यह व्याप्ति महायोगी गुरु गोरखनाथ की हो गई। और इसी व्याप्ति को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पुस्तक नाथ पंथ में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद, अब इसमें थोड़ा सा उलझाव है क्योंकि शंकराचार्य के बाद थे कि पहले थे, उसमें उलझाव है। लेकिन उनके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, आदरणीय द्विवेदी जी के कथनानुसार यह उनका उद्धरण है, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में कोई नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन
गोरखनाथ का योग मार्ग ही है। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें गोरखनाथ से संबंधित कहानियां न पाई जाती हों। गोरखनाथ अपने युग के महान धर्म नेता थे। उन्होंने जिस धातु को छुआ वह सोना हो गया, ये अनकोट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा। और मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा और मैं आपसे सादर साग्रह अनुरोध करूंगा, यह यन कोविड-19 महामारी से जूझने में जो भी आप यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं वो यौगिक क्रियाएं मेरे कहने के अनुसार आप कतई न जाएं। आप उनको खोजने का प्रयास करें कि उनको किसने विकसित किया है। जब आप खोजते खोजते अपने मंतव्य पे पहुंचेंगे तो आप ध्यान देंगे कि नाथ योगियों द्वारा विकसित ये प्रक्रियाएं हैं। कहने का मतलब कि जब भी हम योग आसन करते हैं वो प्रक्रियाएं करते हैं वह हम महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा विकसित प्रक्रियाओं को ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो पूरा विश्व करता है वो महायोगी गुरु गोरखनाथ की यौगिक क्रियाओं को ही करता है। इस वजह से महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ लोक योगी हैं। उन्होंने योग को कंदराओं से, विद्वानों के गिरफ्त से निकालकर लोक व्याप्त में संचरित कर दिया। लोक इस वजह से वो लोक सुर, लोक चित में पैठ बनाने वाले धार्मिक संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हम सभी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के श्री चरणों में अपना श्रद्धान्वित होते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देने की अनुमति चाहूंगा आप सभी मित्रों से। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः। योगाचार्य वरम विशुद्ध मनसम गोरक्षनाथम गुरु ज्ञानानंद महोदयम शोभितम पूर्ण दया सागरम वक्तानाम अभयप्रदम करुणा कैवल्य मोक्षप्रदम वंदे देव मनामयम रवनिवम मोहांधकारापहम। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम शांति शांति शांति।